सबके समय ईद के पहले का प्रोडक्ट, इसलिए अभी भेज रहा हूँ। और भी ज्यादा ऑर्डर है इस समय। पूरा गीला कर दे रहा है मेरे को। टेरेस पे वेट कर रही थी बारिश के लिए, पूरा घर के अंदर पानी आ रहा है, पूरा घर गीला गीला सा हो गया है। भगवान कितना हवा चल रहा है, सब उल्टा पलटा कर रहा है। विवान विवान विवान, अरे सब हवा में। 5 किलो मैंगो बांग्लादेश के लिए कुरियर करने वाले, तो ज्यादा नहीं करना चाहिए था अदृ। 5 किलो बहुत ज्यादा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह उठ गई, सुबह का बज रहा है 8। और सुबह उठने का कारण वो है बिकॉज बांग्लादेश में ना पूरा पानी पी लेता हूँ। बांग्लादेश में ना सामान भेजना है और ईद के पहले का ऑर्डर है सबके सब। सब सामान अभी भेजना है, 2-3 सामान अभी तक बाकी है, उसको वेट नहीं कर सकते बिकॉज टाइम लग रहा है आने में। तो मैं बोला वो एक दिन मैंने वेट किया और वेट नहीं हो सकता। अभी ईद के पहले सामान नहीं भेजूंगे तो ईद के छुट्टी पड़ जाएगा, छुट्टी में कोई सामान लेगा नहीं। और इसमें से 90% है कि सामान का ज्यादा रिक्वायरमेंट, ज्यादा ऑर्डर आया था, वो क्या वो भी दिखा रहा हूँ। और दूसरी चीज क्या है ना, आपको सब प्रोडक्ट देखना है खुल के, मतलब अलग अलग देखना है। तो मेरे दूसरा वाला चैनल है ईस्टर इंडियन फैशन ज्वेलरी, इसमें मैंने खुल के दिखाया था बिकॉज कस्टमर को वीडियो भेजना है ना, इसलिए मैं दिखाया था उसमें। आप लोग देखना उस वाला चैनल में जाके, ईस्टर इंडियन फैशन ज्वेलरी में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक। अरे तो एक बार देखो, सबसे ज़्यादा जो उस चीज़ का ऑर्डर है वो है ये वाला बैंगल्स। अभी इसको पैकिंग करना है अच्छे से, इसको कागज़ वागज अच्छे से पैकिंग कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और पैकिंग करने के पहले दिखा देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा ये ऑर्डर है, और भी ज़्यादा ऑर्डर आया था, हमने रिसीव ही नहीं किया। ये जो भी प्रोडक्ट है ना, जितना भी प्रोडक्ट है देखो, इसका मटेरियल डिफरेंट है, जितना भी है ये सबके समय ईद के पहले का प्रोडक्ट, इसलिए अभी भेज रहा हूँ। और भी ज़्यादा ऑर्डर है, ये सब एक साथ में करने जाऊँगी ना तो टाइम लग जाएंगे। क्या चल रहा है विवन, यहाँ पे कौन है अंदर, अंदर कौन है? ये है उसको लेकर अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो पहले कुरियर पैकिंग कर दो बेबी। हम सबके सब ऑर्डर लेते ना इसका तो 200-300 पीस हो जाता, बहुत सारा बाकी है ऑर्डर लेने का अभी तक। कि नहीं सब सामान ईद के पहले का है ना, इसे भेज दे रहा हूँ फिलहाल, नहीं तो वो अभी सब लेने जाओगे सीधा 1 महीना बाद ही मतलब पहुँचेगा सामान, टाइम लगेगा ना। एक साथ में इतना सारा सामान लेना है, साइज़ भी देखना पड़ता है। बस अच्छे से आ गया बॉक्स में ना, ये बॉक्स फेंकना नहीं, इसमें दूसरा कोई काम भी आएगा, नेक्स्ट कोई शिपमेंट भेजना है ना, सामान भेजना है तो। हाँ मैंगो बांग्लादेश के लिए, 5 किलो मैंगो बांग्लादेश के लिए कुरियर करने वाले, थोड़ा ज़्यादा नहीं करना चाहिए था अदृ। 5 किलो क्यों कर रहे हो मैंगो, 20-25 किलो करो, हमारे बहन लोगों को पसंद है बहुत। हैं क्या करना है, सामान अंदर उल्टा पलटा हो रहा है सब, टेप लगा रहा के चक्कर में। 2 किलो नहीं, 1 किलो भी नहीं होगा मेरे को ऐसा लग रहा है। लाओ 1 किलो भी नहीं होगा, 1 किलो 1 किलो हो जाएंगे, 1 किलो होगा ना, ज्यादा होगा थोड़ा, 100 ग्राम भी ज्यादा होगा साला पैसा देना पड़ेगा। तो क्या करने का फिर, क्या करते हैं पता है वो लोग, 1 किलो 100 ग्राम भी होता है ना तो फिर भी 500 रुपये लेता है, मतलब 1 किलो का पैसा ज्यादा लेता है। कुछ लेके जाता हूँ जो ज्यादा होगा खोल के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इतना सारा क्रीम ले लिया, देखो वाओ का एक परफ्यूम भेज दो ना। परफ्यूम तो ज्यादा नहीं है, अरे ये सब नया क्रीम है, ये सब सील पैक है, मैंने खुला ही नहीं, देखो ये सब खुला ही नहीं मैंने। टोनर है, ये क्या है, ग्रीन टी स्क्रब है, दूसरा क्रीम मिला अदृक, ये नया नया क्रीम है। मैंने बांग्लादेश जाने के लिए ना क्रीम जमा करके रख रहा था, जो जो भी बांग्लादेश जाऊंगी सब क्रीम। कौन सा क्रीम है? वो जो बोटानिका, बोटानिका, ये सब नया है, ये नया है, ये नया है, सबके सब नया दे रहा हूँ। जाने के टाइम तो क्रीम लेके ही जाने का मेरे को बहुत सारा। बस कहा गया वो वाला क्रीम, कहा गया दूसरा, इतना है, इतना देता हूँ फिलहाल। कहना यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन 2 किलो नहीं होगा, पैसा तो 2 किलो का लेने वाला है, लेकिन दिमाग बहुत अच्छा लगा इसने, मतलब क्रीम व्रीम दे दो ना तो रितिका लोग यूज़ कर पाएगा। मतलब 1 किलो होगा तो ठीक है, सब वापस घर पे लेके आ जाएंगे, और 1 किलो से ज्यादा होगा ना 100-200 ग्राम तो ये सब दे देंगे जितना होगा उतना। हाँ हाँ, बाकी सब ले, 2 किलो होने के बाद एक्स्ट्रा लेके आ जाना घर पे, एक थैली में भर दो, थैली में भर के देता हूँ। और यहाँ पे देखो टैप अच्छे से लगा है नहीं क्योंकि टैप फिनिश हो गए है, तो आदरिक बाहर जाके टैप लगा देगा। एड्रेस लिख लिया, कागज में रख दिया, दिमाग बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम हमने ना सामान दिया था 1 किलो 300-400-300 ग्राम हुआ था, लेकिन उन्होंने पैसा लिया 2 किलो का, मतलब पार किलो का 500 रुपये लेता है। अगर हम फ्लाइट में भेजेंगे ना, पार किलो का 1200 रुपये लेता है, इतना लेता है।
तो आजिक ने बोला अगर एक किलो 200 ग्राम होगा ना कि 2 किलो होने वाला नहीं है, पतला है, तो 1 किलो 200 ग्राम होगा तो भी वो लोग 2 किलो का पैसा ले गए। इसलिए कुछ ज्वेलरी दे दो एक्स्ट्रा, अगर ज्वेलरी नहीं है तो क्रीम दे दो, क्रीम तो बहुत सारा है छोटा छोटा, तो फिर भी मैं मतलब कुछ दिया कुछ नहीं दिया, क्या 2 किलो हो जाएंगे जितना दिया। और ज्वेलरी एक दो बाकी है आने का, अभी तक अभी आया ही नहीं है, तो आज ईद के पहले सामान भेजना है ना, तो इसलिए भेज दिया। वो सामान को वेट करूंगी ना, मुंबई से आने वाला है, 2-3 दिन लग जाएगा, और 2-3 दिन में तो ये तो पहुंच जाएगा बांग्लादेश, इसलिए मैंने दे दिया। और ये पे देखो दूसरा मैंगो का बॉक्स, ये सब मैंगो का बॉक्स में फेंकूंगी नहीं, कल रात को मैंगो लेके आया 10 किलो, वो मैंगो कहाँ गया? मम्मी फ्रिज में रख दे क्या? हाँ हाँ फ्रिज में रख दिया है। अरे मैंगो बहुत ही अच्छा है, इस बार बांग्लादेश जाऊँ ना 10 किलो मैंगो लेके जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम लेके गए ना अद्रिक तो सबको अच्छा लगा था। इतना सारा पेपर दे दिया मैंगो का बॉक्स में, 500 ग्राम से ज्यादा पेपर डाल दिया मैंगो का बॉक्स में, 10 किलो मैंगो। हाँ 1 किलो पेपर अंदर डाल दिया, क्या ना मैंगो कम डालना पड़ा है ना इस वजह से, 10 किलो मैंगो में मतलब ऐसे भी 1 किलो कम आते हैं, और ऊपर से 1 किलो पेपर डाल दिया अंदर, 9 किलो मैंगो आने वो किलो वजन आ 1 किलो मैंगो कम देना पड़े ना, इसलिए न्यूज पेपर रख दिया। ये है गुजराती बिजनेसमैन माइंड है। बारिश आ रहा है, बारिश बारिश आ। ए आंटी सुबह से ड्यूटी पे लगा हुआ है ना, 3 बार कपड़ा डाला, डाल रहे क्यों चाहिए था बार बार, अभी एक बार डाला अभी तुरंत ले लिया। मैं देखने के लिए आया कि नाद्रिक जस्ट अभी बाहर गया है, एक्टिवा लेके गया, बाइक में गया ना, तो बारिश बहुत आया देखो। अरे अभी गुजरात में तूफान आने वाला है ना, इस वजह से 3 दिन से ऐसा वेदर हो रहा था, बारिश आज ही आया, ऐसे बारिश का भी यहाँ पे आता नहीं इस टाइम पे, अभी जून महीने में कभी बारिश आता ही नहीं है। अभी मैं नाश्ता करके बहुत सारा काम पड़ा है, सब काम करेंगे। और इसमें देखो क्या क्या मैंने, इसमें ना केलॉग्स भी डाल दिया, और केलॉग्स के पड़ा था, अलग से केलॉग्स खाते हैं तो वो खा नहीं सकते, इसलिए दोनों को एक साथ मिक्स मैस करके खा लूँगी, अच्छा रहेगा ना। और इसके बारे में क्या बताऊँ, ये एक बार खाते हैं ना 4 बजे तक भूख नहीं लगता है, मैंने स्पून को भिगो दिया पहले, ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्पून से लेना चाहिए था। ये नाश्ता मैं खा ही नहीं पाता हूँ, पता है क्यों, लेट में उठता हूँ 12 बजे 11:30 बजे, तब लंच करने का टाइम हो जाता है, आज जल्दी जल्दी उठा है ना, इसलिए खा के ख़त्म कर देता हूँ जल्दी से। और ये ना खाने के बाद है ना, मतलब अभी खा रही हूँ ना 10 बजे, सीधा मुझे 4 बजे भूख लगेगा। और जिनको कम खाने का आदत है, जिनको ऐसा लगता है जो बार बार भूख लगता है, ये खा सकते हो, बहुत अच्छे, देखो इसको, ये वाला देख लो, देखो इसके अंदर मैंने केलॉग्स अलग से ऐड किया है, केलॉग्स नहीं रहते तो इसको खा सकते हो, बहुत अच्छा है, हेल्दी भी है, साथ में बहुत मतलब बहुत सारा ड्राई फ्रूट भी है, सुबह के नाश्ता में खा सकते हो, बच्चे को भी दे सकते हो, बहुत अच्छा है। और आदिक ने कुरियर वो कर दिया, पैकिंग कर दिया, डिस्पेस के लिए रख दिया। और क्या है ना, फिलहाल क्रीम दिया था ना, 2 क्रीम वापस आ रहा है, 1.5 किलो हुआ था मेरे सामान, 1.5 किलो हुआ था ज्वेलरी, और 500 ग्राम क्रीम रख दिया, तो फिर 1000 में बेच सकते हैं, नहीं तो 1.5 किलो को भी 1000 देना पड़ता। और खा लेता हूँ, खा के सब घर का काम करना है। अभी विमान के लिए लंच रेडी कर रहा हूँ, और आज बनाऊंगी बहुत दिन बाद विमान का ये वाला रेसिपी, इसका नाम तो पता नहीं, लेकिन इसके अंदर अंडा डालते हैं, और क्या डालते हैं पता है, खेजूर डेट्स एंड वॉलनट, वॉलनट फिनिश हो गया, लेके आना पड़ेगा, बस आज का खाना बन जाएगा इतना है। और ये है आमंड, इसको वॉश कर लेते, और मैं हर टाइम वही ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाती हूँ, लेकिन बांग्लादेश जाने के पहले ना सब ड्राई फ्रूट को एक बार वॉश करके फिर ड्राई करना पड़ेगा, ड्राई करके फिर इसको पाउडर बन के फिर लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज बांग्लादेश जाके फिर रेडीमेड मतलब हर रोज़ बना नहीं पाऊँगी, टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ऐसे करके ले जाऊँगी। खेजूर तो उधर मिले गई, और खेजूर को बीच निकल के धो लेंगे। और क्या ना, यहाँ पे था ना डेली का खाना डेली बना लेती हूँ, तो बांग्लादेश जाएंगे तो ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के लेके जाना पड़ेगा, इसको मतलब ड्राई फ्रूट का पाउडर का बोलेंगे सेरेलैक्स, होममेड सेरेलैक्स में बना के लेके जाऊंगी। और देखो खेजूर कितना अच्छा है, ब्लैक वाला खेजूर है। और यहाँ पे हो गया विमान का खाना रेडी, मतलब ये पूरा दिन और पूरा रात का खाना रेडी हो गया। अभी मैं इसमें डाल के बाकी सब फ्रिज में रख दूंगी, 3-4 घंटा बाहर रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी गर्मी है ना तो बाहर मैं नहीं रखती, जब भी खाना खिलाता हूँ गर्म थोड़ा थोड़ा निकालता हूँ, फिर गर्म कर लेता हूँ, फिर इसको खिला देता हूँ। चलो विमान का लंच कम्प्लीट हो गया,
विमल को सर्दी हुआ बहुत। आंटी देखो सुबह से तीन बार कपड़ा ले चुकी है, तीन बार दे चुकी है, अभी दोबारा लेने के लिए आया। देखो अरे आंटी को डरा रहा था, मैं बारिश आ रहा है सच्ची में आके कपड़ा ले रहा है, बोला अभी तो सूख गया है ले जाता हूँ। भयानक भयानक हवा चल रहा है आज, तीन चार दिन से इतना जोर से हवा चल रहा है ना, कुछ टाइम पहले बारिश आया था, अभी बारिश चला गया, इतना हवा ना ऐसा लगता मैं उड़ जाऊंगी। हाय 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 विमान विमान, इतना भयानक हवा चल रहा है ना, अब दोनों उठ जाएंगे क्या? अभी क्या ना, तीन चार दिन से यहाँ पे हवा चल ही रहा है क्योंकि गुजरात में तूफान आने वाला है, बहुत मतलब बहुत बड़ा सा तूफान आने वाला है। मेरी दीदी ने मुझे कॉल करके बोलते संभाल के रहना, बाहर मत जाना, या ना अभी हवा तो चल रहा है, तीन चार दिन से कंटिन्यू हवा चल रहा है। आज आने वाला था तूफान, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर आने वाला है, फिर भी यहाँ पे ऐसा हाल है। पता नहीं मतलब अभी तक आया नहीं, अभी तक तूफान स्टार्ट नहीं हुआ तो भी ऐसा हाल है, मतलब 400 किलोमीटर दूर होने वाला है हमारा यहाँ से, फिर भी यहाँ पे ऐसा हाल है। क्या ना गुजराती न्यूज़ तो नहीं आता, इंडिया का न्यूज़ बांग्लादेश में आते हैं, तो मेरी दीदी ने मुझे बोल रहा है इंडिया का मतलब गुजरात का हाल कैसा है। मैं बोला यहाँ पे तो इतना नहीं है, मतलब हवा कंटिन्यू हवा आ रहा है, इतना हवा कभी नहीं आता है सबको। ये मेरे को ऐसे टेंशन उड़ के घर के उतर उतर पता लग जाता है, रहता ही नहीं बापी। इसको इतना बड़ा पात्र है, देखो 5 किलो वजन का पात्र है, फिर भी वो ना इसको ढक्का मार के पूरा दरवाजा लग जाता है, दरवाजा देखो पटक पटक से पूरा दरवाजा हाल किया हुआ, देखो बार बार दरवाजा लग जाता है ना, इस कारण काला निकल गया ऐसे करके लग जाता है, बार बार पटक जाता है, हाल बहुत वो है, भयानक हाल है, अभी तक आया ही नहीं है ऐसा हाल हो रहा है। और यहाँ पे देखो तीन तीन लेगीस है, कल रात को जाके खरीद के लेके आए मैं, और इसका मटेरियल मुझे इतना अच्छा लगा ना इसलिए मैं तीन ले लिया, एकदम कॉटन जैसा और स्मूथ और शाइनिंग वाला है, कैमरे में पता चल रहा है एकदम शाइनिंग शाइनिंग सा है, स्मूथ भी है और डबल लेयर का है, अंदर भी दूसरा मतलब इनर है, इसलिए मैं तीन लिया। और टी शर्ट तो मेरे पास 50 सेट है ही, मैंने बस अभी एक पहनने के लिए निकाला, टी शर्ट नया नया निकाला मैंने, क्या ना पुराना भी पहनने का मन नहीं करता है, दोनों मैंने आरबड़ी से निकाला, इसके साथ पहनूंगी। बहुत सारा टी शर्ट तो है, मिक्स मेस करके पहन सकते, क्या ना बांग्लादेश से मैंने 50 या 60 टी शर्ट लेके आई थी, पहले से मेरा पुराना पड़ा था घर के अंदर 150, ये सब लेके आई बांग्लादेश से, एक सब मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तीन ले लिया, पहन के देखेंगे कैसा लगता है। अब मुझे अच्छा लगता है तो मैं तीन चार ले लेता हूँ, मेरी आदत है, आज मैं इसको पहनूंगी, व्हाइट एंड व्हाइट ये दोनों पहनूंगी, क्या बोलते हैं। ये भगवान भगवान कितना हवा चल रहा है, सब उल्टा पलटा कर रहा है, विमान विमान विमान, अरे सब हवा में गिर जा रहा है, विमान बार बार बाहर जाता है। विभो इसको तो पता नहीं, इसको मम्मी ने पर्दा लगा दिया इसलिए हवा में धूल मिट्टी ना आए घर में, बहुत धूल आ रहा है, और इतना पर्दा खुद क्या खुद कंट्रोल में नहीं है। हाँ आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। मैं अभी डाल के आ गई नीचे, मैं अंकिता को लेने के लिए आई, मैं बोला चल टेरेस पे जाते, हवा बहुत चल रहा है, और अंकिता न्यूज देख रहा है, यहाँ पे तूफान को बाबा जोरा बोलते हैं, मतलब गुजरात में भयानक घूर्णी जोर कुछ होने वाला है, इसका नाम कुछ है, इसका नाम पता नहीं है, विपर्जॉय विपर्जॉय बांग्ला नाम टाइप है, विपर्जॉय कुछ स्पेशल नाम है, इस बार बांग्ला ने दिया होगा नाम, पता नहीं किसने दिया, विपर्जॉय बांग्लादेश नाम है, हर बार एक कंट्री को मौका मिला, आदरिक ऊपर में ना वो कर रहा है, न्यूज देख रहा था, तो मैं आ गई नहा के भाग के उसको लेके, मैं बोला चलो जाते हैं, ये बोल रहा है अभी 9 मिनट बाद ना 10 मिनट बाद बाबा जो आ रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगी दावा में, डरता है कुछ नहीं होगा, चल तो मेरे को देखना है से न्यूज देखना है कैसे आ रहा है बाबा जो देखने के लिए, जब आएगा तब देखना, चल हम लाइव देखते रहे थे जाके, आ रहा है द्वार का बाजू यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे बैठे बैठे एकदम बैठे बैठे न्यूज देख रहा है, आज भी बैठे बैठे न्यूज देख रहा था इसलिए मैं नीचे आ गई, बोरिंग हो गई, क्या ना पूरा टाइम यही देखते, मैं बोला चलो बाहर जाते हैं मजा लेते हैं, बाहर में बहुत हवा चल रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है, आम उड़ भी सकते पर इसको ले जाओ ना तो ये उड़ेगा नहीं, तो मोटा है ना तो पकड़ के रख सकते, मेरे को बोल रहा है तुम मत आओ मैं उड़ जाऊंगी, आप भी उड़ जाओगे, इतना हवा चल रहा है आप भी उड़ जाओगे, चप्पल उड़ रहा है क्या, अभी ना बारिश आके तक एक बात सुनोगे, क्या बोल रहा था तू, ये ना न्यूज देख रहा था बैठे बैठे, अभी 6 बज रहे, बोलते अभी 6 बज अभी तक आया नहीं, मतलब वो सैड हो गए, मतलब अभी तक तूफान क्यों नहीं आया, मैं बोला आया नहीं तो अच्छा हुआ अभी तक आया नहीं है, नहीं आया तो लोगों को नुकसान भी नहीं होंगे, है ना, समझता नहीं है लड़की, ये क्या जा रहा है आसमान में, ये क्या जा रहा है, धूप बाढ़ जा रहा है, देखो कितना दूर से, हाय विमान, ओ विमान क्या हुआ विमान, आओला जाओला बाल है तुम्हारा, ये कर रहे तब से रो रहे, इसको क्या ना बाहर आते भूख लगता है, घर में कुछ खाना नहीं है, ये बहुत ज्यादा खाना भी हमारा ढाका मार रहा है, और वो आंख नहीं खुल पा रहा है, बाहर से वाटर करने के लिए आया, ठीक है ना,
भयानक हवा चल रहा है ना, नीचे चली जाता हूँ क्या पता कूड़ा के ले जाए नीचे, बहुत भयानक हवा चल रहा है। हवा चल रही तो फोन हिल गया। फोन हिल गया? उतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है, फोन गिर तो नहीं गया ना मेरी? नहीं तो तेरी ऐसी कैसे है, मेरे कैमरा मैन अच्छा नहीं है। अरे वीडियो बनाती हूँ फिर भी कैमरा मैन अच्छा नहीं। देखो जैसे टेरस से आया कितना भयानक बारिश चल रहा है, एक बार देख लो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे 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 पूरा गीला कर दे रहा है मेरे को। ओह माय गॉड, भयानक बारिश चल रहा है, भयानक यानी भयानक, इतना ज़्यादा बारिश है ना टेरस पर। वेट कर रही थी बारिश के लिए, तुम आया ही नहीं था। ओह माय गॉड, चलो चलो मेरा मोबाइल गीला हो जाएगा, चलो आ जाओ। मेरा कपड़ा पूरा गीला हो गया, देखो एक बार पूरा गीला गीला हो गया, पूरा घर के अंदर पानी आ रहा है, पूरा घर गीला गीला सा हो गया है। मैं टेरेस में वेट कर रही थी जो बारिश आएगा आएगा, लेकिन आया नहीं। अभी देखो पूरा पानी पानी हो गया। विवान, ये भगवान विवान ने देखो क्या किया, सबके सब गिरा के भाग रहा है। ए चोर, क्यों भाग रहा है अभी तू, क्यों भाग रहा है आद्रिक? सब गिरा के भाग जा रहा है। हाँ मेरा नया मोबाइल में चार्ज में यहाँ पे लगाता हूँ, इसके डर से मैं मोबाइल को उधर रखता हूँ, मुझे पता है ये एकदम से खींच देता है, नहीं तो मेरा मोबाइल का डिस्प्ले खराब कर देगा। ये गिरा के भाग जा रहा है कि कब से भूख लगा, खाना नहीं खाना, मैंने इसको पीटर में भर के देखा, गिरा तो नहीं खाएगा, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, भाग जाता है, प्यार ऐसा रखना पड़ता है, भाग ना पाए। A few moments later. रात को देखो बनेंगे सोया नगेट्स, और ये वाला सोया नगेट्स ना अच्छा नहीं है, यहाँ पे लोग खाते नहीं है ना, तो नगेट्स अच्छा नहीं मिलता है। तो एक बार बड़ा बड़ा साइज मिलता है, नहीं तो एकदम छोटा छोटा मिलता है, मीडियम वाला मिलता नहीं है। और मैंने इसको कम से कम 20 से 25 बार वॉश कर लिया सीरियसली, मतलब इसका स्मेल आता है। बहुत सारे लोग इसको वॉश अच्छे से करता नहीं, बोलता टेस्ट अच्छा नहीं आता, स्मेल आता है, इसके कारण है ना आता है कि वॉश अच्छे से करना पड़ता है। मैं गर्म पानी से धोया अच्छी तरह से उसको, और इसको अच्छी तरह से इसको ऐसे निचड़ना पड़ता है पानी में। अभी लास्ट बार है, मतलब मेरे हाथ में पेन हो गया ऐसे ऐसे करके, बहुत बार वॉश किया, ये बार इतना अच्छा नहीं है। अच्छा होता तो 7-8 बार दो तो हो जाते। ये देखो ग्रेवी वाला सोयानगर कड़ी बन गया है, और दाल बनाया, और वो बनाया क्या नाम से भिंडी भाजी बनाया, तो रात के डिनर है। एक्चुअली आदि को नहीं बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा करके बनाती हूँ, और ज़्यादा मतलब इतना चाहिए, मैं अकेला खाता हूँ तो भी मैं इतना ही बनाती हूँ, इसको बहुत पसंद है। हाँ गर्मी लग रहा है, सब दरवाजा बंद कर दिया ना, इस वजह से पसीना आ गया खाना बनाते बनाते, और ये बनने के बाद खाना खा लूंगी, और आज के वीडियो में यहाँ पे एंड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय, सी यू एंड टेक केयर।